दादा इधर ऊपर चला देख के हाथ देख के क्या दिए दादा को स्पेशल बेसन में क्या रेसिपी जमशेदपुर ग्लोबल ट्रेड फेयर का जो है पिछले साल भी हम लोग इसी समय उद्घाटन किए थे। बहुत ही अच्छी तरीके से लोगों ने इसका लुत्फ़ उठाए, मार्केटिंग किए। आज ये उद्योग नगरी होने के नाते हमारे रिजवान भाई, नीरू सिंह और सुमित भाई ये लोग लगातार प्रयास करता कि नए नए लोगों को, नए नए विभिन्न चीज़ों को इस जमशेदपुर लोहो नगरी में आए। अब देखिए ताइवान से लोग आए हैं और अफगानिस्तान से आए हैं, मलेशिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, तो बहुत विभिन्न देश के लोग जो अपना अपना प्रोडक्ट है उसको लेकर यहाँ पर आए हैं। और हम देखे पिछले बार कि काफ़ी लोगों का यहाँ आना जाना हो, काफ़ी उत्साहित थी लोगों ने और लोगों ने बेहतर ढंग से इंजॉय भी किया और इसका जो भी मार्केटिंग भी किया। इसमें क्या ना, जो हमारे स्वदेशी के साथ साथ सब लोगों का मिश्रण होता है, भाईचारे का संदेश भी जाता है और लोग नए नए तरीका भी सीखते हैं। तो मैं इसी के चलते इन भाई तीनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पिछले बार भी मुझे इस अवसर उन्होंने दिया, इस बार भी दिए। और हम चाहते हैं कि जमशेदपुर वासियों की ऐसा ट्रेड फेयर जो यहाँ लगा है, सभी लोग यहाँ छुट्टी का दिन आए, बाज़ार करें, मार्केटिंग करें, नए नए चीज़ को देखें। अगर कहीं कमी खमियाँ है तो तीनों भाई को बताएं कि अगला बार ये चीज़ होना चाहिए, ट्रेड फेयर में ये चीज़ लगना चाहिए, तो हम लोगों का और बाज़ार करने, मार्केटिंग करने, कुछ सीखने देखने का भी और अवसर होगा। तो मैं पुनः आपके माध्यम से इन लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि मार्केट बेहतर ढंग से चले, आगे भी इस तरह लगाएं ताकि ये आने वाले समय के लिए उदाहरण हो और लोगों का इंतज़ार रहे कि कब ट्रेड फेयर लगे। नमस्कार, मैं दीपशिखा कुमारी, ग्लोबल ट्रेड फेयर 2023। मैं यहाँ एक मैनेजमेंट टीम को, हमारा सब हम लोग यहाँ पे मैनेजमेंट देख रहे हैं और हम सभी के प्रयास से एक हम लोग अलग कुछ करने का प्रयास किए हैं, जिसमें हम लोग देश विदेश, हमारे शहर के बहुत सारे हम लोग यहाँ पे स्टॉल्स जो हम लोग यहाँ पे लगवाए हैं। और साथ ही हमारा यह प्रयास रहा है कि इनकी जो भी नई तकनीक है, जैसे नए प्रकार की मशीनें आई हुई हैं और ये जैसे कि बांग्लादेश से आए हुए हैं, इनका साड़ी का व्यापार है, तो हम लोग बहुत अलग अलग देश से लेके आए हैं, अलग अलग तरह की कपड़े हुए और खाने के भी हमारे पास में बहुत सारा अलग अलग प्रकार है। तो हम लोग का यही कोशिश है कि ये हमारा बोला जाए तो बेसिकली बिजनेस प्रोग्राम है, तो बिजनेस के साथ साथ हम लोग यहाँ पे
सारा जैसे खाने पीने के लिए, कपड़ों के लिए, सारा जो भी बिजनेस है सब अपना अपना यहाँ पे स्टॉल लगाए हुए हैं। और जमशेदपुर एवं समस्त हमारे झारखंड के वासियों से यही निवेदन है कि हमारे इस प्रोग्राम को जो है ग्लोबल ट्रेड फेयर 2023 यहाँ आप सभी आए और हमारे सभी स्टॉल के जो भी मेंबर्स हैं बहुत मेहनत से यहाँ स्टॉल लगाए हैं, सबको आए और प्रोत्साहित कीजिए ताकि उनका अच्छी खासी बिजनेस भी हो और वो हर साल हमारे जमशेदपुर में आए और अपना बिजनेस को यहाँ पे लाए। और आपसे यही निवेदन है कि आप लोग सब आए और इसको बढ़ाया जाए। और आज हमारे सांसद विद्युत वरण महतो जी यहाँ आए और उद्घाटन किए हैं, तो आप सभी से यही निवेदन है कि आप सब ज़रूर हमारे इस ट्रेड फायर में आए। ये हमारा सर गोपाल मैदान बिष्टुपुर में है, जिसका समय है दिन के 3 बजे से रात को 10 बजे तक यह प्रोग्राम हमारा चलेगा। और यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार एक छोटी सुई से लेकर एक बड़ी मशीन तक यहाँ सभी प्रकार की चीज़ें, आपकी आवश्यकता की चीज़ें यहाँ पे है, तो आप आ सकते हैं, देख सकते हैं, मन चाहा इच्छा के खरीदारी कर सकते हैं। तो हम सबसे यही निवेदन है ग्लोबल ट्रेड फेयर 2023 के मैनेजमेंट टीम के तरफ से कि आप लोग जरूर आए। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव जमशेदपुर ग्लोबल ट्रेड फेयर। नया फ्लेवर, नया कंज्यूमर गुड, नया इलेक्ट्रॉनिक्स, नया फ्रूट प्रोसेसिंग और नया ऑटोमोबाइल से लेकर ईवी मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ी का भी पूरी तरह रेंज उतारा गया है इस ग्लोबल ट्रेड फेयर में। और मेरे पीछे जिस जगह हम बैठे हुए हैं गिरजा फूड, जिनका स्लोगन है कि घर की अचार, और हर मेला में हर जगह इनका प्रेजेंट रहता है। और इस बार इस मेला में गिरजा फूड नया फ्लेवर के साथ, नया रेसिपी के साथ और नया टेस्ट के साथ इस ग्लोबल जमशेदपुर ग्लोबल ट्रेड फेयर में अपनी उपस्थिति दर्ज की है। हमारे साथ इस कंपनी के संस्थापक, इस कंपनी के CMD हैं, लेकिन आज उद्घाटन है, कल इस प्रोडक्ट के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे कि इस बार की मेला में आपकी प्रोडक्ट क्या नया है। तो जमशेदपुर वासियों, आपके लिए यह ग्लोबल जमशेदपुर ग्लोबल ट्रेड फेयर नया बाजार, नया प्रोडक्ट, नया कंज्यूमर मेंटलिटी को समझने के लिए भी यह ट्रेड फेयर है, ग्लोबल ट्रेड फेयर। इसका आइए और एक एक प्रोडक्ट को ध्यान से समझिए और आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। तो नमस्कार, आप जमशेदपुर ग्लोबल ट्रेड फेयर में पधारिए और इस मेला का लुत्फ़ उठाइए और इस प्रोडक्ट को जानिए। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद, जोहार।